नमस्कार, मैं हूँ सौम्या टंडन और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भूपेन हजारिका की कहानी। गुलजार साहब कहते हैं कि भूपेन दा का परिचय देना बड़ा मुश्किल है और वाकई उनकी बात 100% सच है। उनकी शख्सियत में इतनी शाखें हैं जितनी किसी एक इंसान में होना अपने आप में चमत्कार की बात है। भाई, एक व्यक्ति क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकता है। गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि, पत्रकार, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, असम के संगीत संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले सबसे पुराने और शायद इकलौते कलाकार, ये सब परिचय है सिर्फ एक ही शख्सियत की। भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सादिया कस्बे में हुआ था। 1942 में उन्होंने गुवाहाटी से इंटर पास किया और बीए करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आ गए। BHU से उन्होंने 1944 में BA और 1946 में पॉलिटिकल साइंस में MA किया। भूपेंद्र जब पहली बार संगीत और कला की दुनिया में नोटिस हुए तब उनकी उम्र 10 साल से भी कम की थी। इस उम्र में उन्होंने गीत लिखना और गाना शुरू कर दिया। सन 1949 में असमिया फिल्मों के इतिहास की दूसरी रंगीन फिल्म इंद्रमालती में वो बाल कलाकार के रूप में सबसे पहली बार दिखी। इसके बाद वो न्यूयॉर्क चले गए और 5 साल वहीं रहकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जन संचार में PhD की। वहीं पर भूपेंदा की मुलाकात पॉल रॉबसन से हुई। पॉल रॉबसन लोक गायक थे जो अमेरिका में रंग भेद के उस दौर में लड़ रहे थे जब वहां किसी काले या इंडियन को मारने पर मुकदमा तक नहीं चलता था। रॉबसन ने भूपेन पर कई तरह की छाप छोड़ी। पहली छाप भूपेंदा की आवाज पर थी। असम की मिट्टी से निकले भूपेन हजारिका का कद इतना बड़ा है कि लता मंगेशकर खुद कहती हैं, मैं असम को भूपेन हजारिका के नाम से जानती हूँ। भूपेन हजारिका की आवाज बहुत अलग है। कल्पना लाजमी की फिल्म रुदाली आई और उसमें दिल हुम हुम करे गाना लता जी ने भी गाया, लेकिन जब ये गाना हम भूपेंदा की आवाज में सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये गीत इसी आवाज के लिए लिखा गया है। भूपेन दा को देश के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में माना जाता है। भूपेन दा ने सचमुच कितने ही सागर और कितने ही धारे देखी। सिनेमा, कविता, संगीत और पत्रकारिता से जुड़े समारोह में शिरकत के लिए वो मिसिसिपी से डेन्यूब तक, यूरोप से अमेरिका तक और एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक घूमते रहे। शायद इसीलिए वो लिखते हैं, आमी एक जाजाबोर। जाजाबोर हिंदी का यायावर है। इस गीत को गुलजार साहब ने हिंदी में रूपांतरित किया है। आवारा हूँ जमी पे चलते छलकते बहते दरिया की धारा हूँ। उनकी आवारगी उनके व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई देती है। फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी के साथ भूपेन का रिश्ता पेशेवर से व्यक्तिगत होने की अनोखी कहानी है। 1986 में उन्होंने कल्पना लाजमी की फिल्म एक पल में संगीत दिया था। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और फारूक शेख जैसे कलाकारों के साथ सजी इस फिल्म को दुनिया भर में कई बड़े सम्मान मिले। इन सब के बीच कल्पना लाजमी उनके करीब और करीब आती चली गईं। जिस वक्त भूपेन हजारिका और कल्पना लाजमी के बीच नज़दीकियां शुरू हुई उस वक्त कल्पना लाजमी सिर्फ 17 साल की थी और हजारिका 45 साल की थी। भूपेन दा ने 15 किताबें लिखी हैं जिनमें लघु कथाएँ, निबंध, यात्रा वृत्तांत और बच्चों के लिए कविताएं शामिल हैं। उन्हें 1977 में पद्मश्री हासिल हुआ। 1993 में उन्हें भारत का ऑस्कर कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। 1993 में रुदाली के संगीत के लिए जापान में एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड मिला। साल 2011 की शुरुआती महीनों में भूपेंदा की तबीयत नासाज रहने लगी। जाजाबोर के कदम थकने लगे थे। 5 नवंबर 2011 में 85 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इस यायावर ने दुनिया को अलविदा कहा और अनंत की यात्रा पर निकल गए। 2012 में उनके मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से और 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या टंडन और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भूपेन हजारिका की कहानी। गुलजार साहब कहते हैं कि भूपेन दा का परिचय देना बड़ा मुश्किल है और वाकई उनकी बात 100% सच है। उनकी शख्सियत में इतनी शाखें हैं जितनी किसी एक इंसान में होना अपने आप में चमत्कार की बात है। भाई, एक व्यक्ति क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकता है। गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि, पत्रकार, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, असम के संगीत संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले सबसे पुराने और शायद इकलौते कलाकार, ये सब परिचय है सिर्फ एक ही शख्सियत की। भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सादिया कस्बे में हुआ था। 1942 में उन्होंने गुवाहाटी से इंटर पास किया और बीए करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आ गए। बीएचयू से उन्होंने 1944 में बीए और 1946 में पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। भूपेंद्र जब पहली बार संगीत और कला की दुनिया में नोटिस हुए तब उनकी उम्र 10 साल से भी कम की थी। इस उम्र में उन्होंने गीत लिखना और गाना शुरू कर दिया। सन 1949 में असमिया फिल्मों के इतिहास की दूसरी रंगीन फिल्म इंद्रमालती में वो बाल कलाकार के रूप में सबसे पहली बार दिखी। इसके बाद वो न्यूयॉर्क चले गए और 5 साल वहीं रहकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जन संचार में पीएचडी की। वहीं पर भूपेंद्र की मुलाकात पॉल रॉबसन से हुई। पॉल रॉबसन लोक गायक थे जो अमेरिका में रंग भेद के उस दौर में लड़ रहे थे जब वहां किसी काले या इंडियन को मारने पर मुकदमा तक नहीं चलता था। रॉबसन ने भूपेन पर कई तरह की छाप छोड़ी। पहली छाप भूपेंद्र की आवाज पर थी। असम की मिट्टी से निकले भूपेन हजारिका का कद इतना बड़ा है कि लता मंगेशकर खुद कहती हैं, मैं असम को भूपेन हजारिका के नाम से जानती हूँ। भूपेन हजारिका की आवाज बहुत अलग है। कल्पना लाजमी की फिल्म रुदाली आई और उसमें दिल हुम हुम करे गाना लता जी ने भी गाया, लेकिन जब ये गाना हम भूपेंद्र की आवाज में सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये गीत इसी आवाज के लिए लिखा गया है। भूपेन दा को देश के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में माना जाता है। भूपेन दा ने सचमुच कितने ही सागर और कितने ही धारे देखी। सिनेमा, कविता, संगीत और पत्रकारिता से जुड़े समारोह में शिरकत के लिए वो मिसिसिपी से डेन्यूब तक, यूरोप से अमेरिका तक और एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक घूमते रहे। शायद इसीलिए वो लिखते हैं, आमी एक जाजाबोर। जाजाबोर हिंदी का यायावर है। इस गीत को गुलजार साहब ने हिंदी में रूपांतरित किया है। आवारा हूँ जमी पे चलते छलकते बहते दरिया की धारा हूँ। उनकी आवारगी उनके व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई देती है। फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी के साथ भूपेन का रिश्ता पेशेवर से व्यक्तिगत होने की अनोखी कहानी है। 1986 में उन्होंने कल्पना लाजमी की फिल्म एक पल में संगीत दिया था। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और फारूक शेख जैसे कलाकारों के साथ सजी इस फिल्म को दुनिया भर में कई बड़े सम्मान मिले। इन सब के बीच कल्पना लाजमी उनके करीब और करीब आती चली गईं। जिस वक्त भूपेन हजारिका और कल्पना लाजमी के बीच नज़दीकियां शुरू हुई उस वक्त कल्पना लाजमी सिर्फ 17 साल की थी और हजारिका 45 साल के थे। भूपेन दा ने 15 किताबें लिखी हैं जिनमें लघु कथाएँ, निबंध, यात्रा वृत्तांत और बच्चों के लिए कविताएं शामिल हैं। उन्हें 1977 में पद्मश्री हासिल हुआ। 1993 में उन्हें भारत का ऑस्कर कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। 1993 में रुदाली के संगीत के लिए जापान में एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड मिला। साल 2011 की शुरुआती महीनों में भूपेन दा की तबीयत नासाज रहने लगी। जाजाबोर के कदम थकने लगे थे। 5 नवंबर 2011 में 85 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इस यायावर ने दुनिया को अलविदा कहा और अनंत की यात्रा पर निकल गए। 2012 में उनके मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से और 2019 में
उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।